केवल लहसुन के कुछ बीज से, केवल लहसुन के कुछ दानों के प्रयोग से आप अपने प्रेमी, अपने पार्टनर, अपने पति को ला सकते हैं अपने जीवन में फिर से वापस। आपके प्यार की खुशबू जहां तक नहीं पहुंच रही, आप इस छोटे से प्रयोग से अपने प्यार को वहां तक पहुंचा सकती हैं। तुम क्यों घबराती हो? तुम तो नारी हो, तुम तो शक्ति हो, तुम जो कर सकती हो और तुम स्वयं भी नहीं जानती। खुद को कमजोर समझना बंद कर दो। मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूंगी, वो मुझे छोड़ गया तो मेरा क्या होगा, मैं कुछ कर बैठूंगी, मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं, इस तरह के शब्दों से अब बाहर निकल जाओ। तुम ही तो हो जिसने मकान को घर बनाया है, तुम ही तो हो जिसने किसी वीरान पड़े जीवन को एक परिवार बना लिया। तुमसे घर है, तुमसे परिवार है, तुमसे बच्चे हैं, तुमसे संसार है, फिर तुम कमजोर कहां हो? सब कुछ जब तुमसे है तो तुम ही तो तुम हो, हर जगह तुम ही हो। और लहसुन का प्रयोग बता रही हूं, महज कुछ दानों के प्रयोग से आप उसे, उसके दिल तक उस बात को पहुंचा सकती हैं जो आप जुबान से बोल नहीं सकती और वो कभी सुन ही नहीं पाया। जो मिन्नतें करेगा वो, जो भाग रहा है आपसे दूर, जो मायके खुद पहुंचा कर गया है इतने सालों से, वो इज्जत के साथ आपको ससुराल लेकर जाएगा। चाहे सास ने भड़काया हो, चाहे ननद ने भड़काया हो, चाहे किसी कपटी मित्र ने आप लोगों के दाम्पत्य सुख को देख नहीं पाया हो, चाहे सौतन का मामला हो, चाहे कोई भी ऐसी इशू हो जो जिस कारण से आज आप सुखमय जीवन नहीं जी पा रहे हैं, आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा, आपका पति अब आप पर भरोसा नहीं कर रहा, कहीं भी बेइज्जत कर देता है, कहीं भी जाता है किसी के भी सामने आपको कुछ भी अपशब्द बोलने लगता है, वो मतलब पति से कब मालिक बन गया उसे पता ही नहीं चल रहा, ऐसे पति भी बिल्कुल लाइन पर आएंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। मेरी बहनों, आप कर सकती हैं एक छोटा सा प्रयोग घर में, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, कोई ऐसी चीज लाने की आवश्यकता नहीं, आप सार्थक हो, आप सक्षम हो, आप शक्तिशाली हो, स्वयं शक्ति का आप रूप हो, इसीलिए आपको डरना नहीं है। बीमारी है तो है इलाज, समस्याएं हैं तो है ज्योतिष ज्ञान। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, कुछ ना बताएं तो आपकी चुप्पी भी पढ़ देती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं ज्योतिष ज्ञान के, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए, अपना प्रेम, अपना विश्वास जताते रहिए। 10 वर्षों से सफल प्रयास कर रही हूँ, दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, परमात्मा करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। वो नहीं समझ रहा आपके प्यार को, नहीं समझना चाहता, चाहे कोई आ गई है तीसरी जो आप पर भारी पड़ रही है। सौतन का मामला हो, धन दौलत का मामला हो, प्रेम अब नहीं कर रहा वो आपसे। आपको ऐसा लग रहा है बार बार, काश एक बार मेरे पास वो बैठे, मैं उसको पहले की तरह समझाऊं, जैसे सब कुछ पहले ठीक था, काश सब कुछ ठीक हो जाए, पर वो कॉल ही नहीं करता है आपको, वो तो अपने घर बैठा है, आपको अपने घर भेज दिया है, अपने पिता के घर। आप बार बार किसी से मिन्नतें कर रहे हैं, एक बार मुझे उससे मिला दो, मैं एक बार उससे बात करूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब यहाँ सिचुएशन ऐसी हो कि आपको लगे कि बस एक बार मैं मिलूं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो एक बार मिलना नहीं हो रहा, तब करें यहाँ प्रयोग। आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि मानो वो नहीं छोड़ना चाहते मुझे, घर वाले ससुराल वाले हैं कुछ ऐसे जो मुझसे उनको अलग कर रहे हैं, वो एक बार आ जाए मेरे पास, मैं उन्हें मना लूं, अपना बना लूं। यदि ऐसे असमंजस वाली स्थिति चल रही है आपके भी जीवन में, तब करें एक छोटा सा प्रयोग। हर बंधन को तोड़कर, हर बाधा को छोड़कर वो आपके पास आएगा। एक बार नहीं, 10 बार बातें कर लेना, बिल्कुल मना लेना, और तुम मना भी सकती हो, इस बात को याद रखना, जीत तुम्हारी ही होगी। 36 बीज
लहसुन के लिए सारे स्वस्थ और बड़े बड़े लहसुन की कलियां ले, सिर्फ कलियां ले, तोड़ ले, लहसुन को छुड़ा ले और उसके छिलके को भी छील ले। 36 काउंट में ध्यान से जो सुन लीजिए, 36 बीज लहसुन के लीजिए, उसे छील लीजिए। एक सुई ले लीजिए और सारे लहसुन में एक एक होल कर दीजिए, एक एक बार सुई डाल के निकाल दीजिए, एक बार सुई डाल के निकाल दीजिए, मतलब सब में एक होल कर दीजिए। जैसे हम माला बनाने के लिए होल करते हैं ना, मतलब माला नहीं बनानी है आपको, सिर्फ एक एक होल कर देना है, अर्थात मंगल का टच दे देना है इसमें। लहसुन के अंदर जो जल होता है वो शुक्र होता है। 36 बीज लहसुन में आप एक एक बार अपने लव पार्टनर का नाम लेकर होल कर दें। किसी भी सामान्य जगह पे जमीन पर आप 36 लहसुन की कलियों को बिछा कर रख दें। अपने लव पार्टनर की अनुभूति करें, उसे याद करें। मैं हमेशा कहती हूँ ना, बहुत दिल से याद करें। जिसे हम बहुत दिल से याद करते हैं, दस तक हमारी पहुंच जाती है उस तक। महिला करे तो प्रथम बायां पैर आगे बढ़ाए, पुरुष करे तो पहले दाहिना पैर आगे बढ़ाए। लहसुन की कलियों पर अपना पैर रख दे, बिल्कुल लहसुन की कलियां ऐसे बिछी हुई है, अपना पैर रखे, बायां पैर हटा ले, दाहिना पैर रखे हटा ले, अर्थात लहसुन की कलियों को पैरों तले कुचलना है, लेकिन कुचलना नहीं है, बस अपना बायां पैर रखे हटा ले, फिर 36 लहसुन के ऊपर अपना दाहिना पैर रखे और हटा ले, उसे सेक दे अपने पैरों से, कहते हैं ना उसे सेक दे रहा हूं, उसे सेक दे। इन 36 लहसुन की कलियों को एक डार्क कलर के कपड़े में, कत्थई हो, काला हो, भूरे रंग का हो, मतलब डार्क कलर का कपड़ा हो, डाल दें और एक छोटी सी छुरी डाल दें उसमें, चाकू जिसे कहते हैं, चाकू डाल दें, बड़ा ना हो तो कोई नहीं, बहुत छोटा ले सकते हैं आप। इसी कपड़े में डाल दें लहसुन के साथ और इसे मोड़ दें, या टोटका है, इसे करते वक्त कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं आपको, कोई रोके नहीं। आपने मोड़ दिया लहसुन की कलियों के साथ छुरी को और इसे ले जाकर अपने पैरों के नीचे, गद्दे के नीचे रख दें, जिधर आपके पांव रहते हैं सोते वक्त, वहां आप बिस्तर के नीचे रख दें इसे, रात भर सोएं इस पर पैर रखकर। सीधा पांव नहीं रखना है, वो गद्दे के नीचे ही रहेगा, आपको उस बिस्तर पर सोना, कहते हैं ना सिरहाने रख दे, तो हम क्या करते हैं, तकिए के नीचे रख देते हैं या गद्दे के नीचे, आपको पैर के नीचे रखना है, यानी जिधर आपका पांव है उधर रख दे इस पोटली को। अगले दिन आप इस पोटली को किसी भी मिट्टी के नीचे दबा दें, लेकिन घर के आंगन के बाहर कहीं भी, चाकू को भी खोले नहीं, देखे नहीं, इस पोटली को भी ना खोले। 36 लहसुन और चाकू जो बांधा है आपने, इसे सीधे ले जाकर किसी भी मिट्टी में, मंगल, कहीं पानी में ना फेंक दें आप, किसी भी मिट्टी को खोद कर डाल दें, इसे बंद कर दें, उल्टे पैर घर आ जाए, स्नान कर लें, कपड़े धो दें जो पहनकर आपने गया है। एक बात मानिए, जो आप कहना चाहते हैं वो आपको जुबान पर लाने की आवश्यकता नहीं होगी, जो आपने सोचा है वह पहुंचेगा उसके हृदय तक, उसके कानों तक, वो तड़प उठेगा आपके लिए, उसे एहसास होगा कि मैं किसे छोड़ आया हूँ, जो मेरा सब कुछ है मैं शायद उसे छोड़ आया हूँ। सामने से कॉल आएगा, सामने से आएगा वो आपको लेने के लिए, करेगा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग और देखें क्या परिणाम आपके सामने आता है। आपका प्यार 5 मिनट में भी कॉल कर सकता है आपको, अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।